नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर कांग्रेस पार्टी को लेकर है जिसने फैसला किया है उस तमाम विपक्ष के साथ मिलकर संसद के उद्घाटन का विरोध करने का। लेकिन अब इस विरोध के बीच में अब कांग्रेस पार्टी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़े तबके ने चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। कौन है ये लोग और क्या कुछ इन्होंने कहा है, आपको बताते हैं इस पूरी खबर में। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर देश के 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने विपक्ष की अब आलोचना की है। इन लोगों में 88 रिटायर्ड नौकरशाह, 100 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और 82 अकादमिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों ने साझा बयान जारी किया है और विपक्ष की, पूरे विपक्ष की जमकर आलोचना की है। लेकिन बयान में क्या है वो बताते हैं। बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके आधार पर बहिष्कार करने वाले लोग लोकतंत्र की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। वे लोग अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रहे हैं, उनकी ओर से बॉयकॉट आधारहीन है। इसके अलावा इस बयान में कहा गया है कि इन लोगों ने 2017, 2020, 2021 और 2022 में भी बहिष्कार किया था। बयान में यह भी कहा गया है कि यही विपक्षी दल है जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी साइडलाइन करने की कोशिश की थी। विपक्ष काम करने की अपनी उस नीति से बाज नहीं आ रहा है जिसके तहत वो प्ले कार्ड दिखाते हुए और नारेबाजी करते हुए किसी भी चीज का विरोध करता रहा है। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का इसी तरह से अपमान किया गया है। तो चिट्ठी में बड़ी बातें लिखी गई हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जो 270 हस्तियों ने जो बयान जारी किया है, इसमें खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन तो देश के लिए गर्व का मौका होना चाहिए, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र और यहां तक कि कांग्रेस के लिए भी दुख की बात है जिसने आयोजन के बहिष्कार का ऐलान किया है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस खुद को सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बताती है। इस कांग्रेस पार्टी का हमेशा से अलोकतांत्रिक व्यवहार रहा है। यही नहीं, कांग्रेस देश के विकास की राह में अपने अहंकार का रोड़ा अटकाती रही है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत करीब 20 अहम राजनीतिक दलों ने संसद भवन उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, लेकिन करीब 25 दल ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ इस आयोजन में शामिल होंगे। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठे हैं। 270 हस्तियों ने कांग्रेस पार्टी को और पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया है कि हर लोकतांत्रिक चीज का इस तरीके से विरोध करना आखिर कहां तक जायज है। और ये एक के बाद एक जो कई सारी चीजें हुई हैं, जिसमें जो एम्बलम, नेशनल एम्बलम जो है, जो शेर के चिन्ह जो लगाए गए थे, जिनको लेकर भी सवाल खड़े किए गए, संसद, नई संसद बनी उसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए, इन तमाम चीजों को लेकर भी जो है कांग्रेस पार्टी अब कटघरे में गिरती नजर। लेकिन 270 जो हस्तियों ने हमला बोला है, इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? अब जब उद्घाटन होगा उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई अलग तरीके का प्रोटेस्ट भी सामने आता है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।